भिलाई विधायक द्वारा 9 मई को ईडी द्वारा किए गए संपत्ति अटैच वाले ट्वीट पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने कहा कि विधायक इतना घबरा क्यों रहे हैं। श्री चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 विधायकों में से मात्र 2 विधायकों के खिलाफ ही ईडी ने कार्रवाई क्यों की, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा श्री चौहान ने कहा कि सांसद विजय बघेल के निवास स्थान का घेराव कर विधायक के समर्थक क्या जताना चाहते हैं। ये कार्यपालिका की पद्धति है और ईडी को 90 जगह चल और अचल संपत्तियां मिली है, बरामद हुई। और ये आज का मामला नहीं है, 2.5-3 साल पुराना चले आ रहा है, गोल मामला है। उसके पहले आईएएस ऑफिसर को हिरासत में लिया गया और कुछ व्यापारियों को हिरासत में लिया गया और 2 विधायकों को लिया गया। अगर आप इतने दूध के धुले होते तो 70 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी, आपके दो के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। और सबसे मेन बात यह है कि आपने पहले बोला कि हम किराए के मकान में रहते हैं, तो 86 लाख की संपत्ति की तो आपने खुद घोषणा की हुई है। और दूसरी, नौ आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप 10 करोड़ की हाउसिंग बोर्ड की जमीन को 2,52,00,000 में अपने भाई के नाम से दिए हुए, तो ऐसे करके आप ये समझते हैं कि भिलाई की जनता के आंखों में धूल झोंक देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। भिलाई की जनता हमारे से और आपसे बहुत ज्यादा समझदार है, उसको सब पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और ईडी की कार्रवाई ऐसे ही नहीं होती है। आप अगर मान लीजिए कि कोई वकील है, वकील जज के सामने, आपका वकील है और वकील जज के सामने ये जाके बोलेगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और ईडी का उपयोग कर रही है और विपक्ष का मामला है, इस वजह से मेरे क्लाइंट के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसका इसमें कोई दोष नहीं है। और ये भी बोले कि जो चुनावी साल है इस वजह से तो होना ही नहीं चाहिए कार्रवाई, और चुनावी वर्ष के अंतराल में तो होनी ही नहीं चाहिए, तो जज क्या आपको रिहा कर देगा, आपको बरी कर देगा कि बोलेगा कि तथ्य लाइए और तथ्य जो ईडी ने पेश किए हैं वो आपके खिलाफ में है। और दूसरी बात, ईडी सिर्फ वो जांच नहीं करती जो पेपर्स में है, ईडी वो भी जांच करती है जो पेपर्स में नहीं है, तो इससे कोई बच नहीं सकता। हां, अगर आप सही हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इतने बौखलाहट काहे को है, इतने झल्लाहट काहे को है। और आप अगर सही हैं तो आप घबरा क्यों रहे हैं, जो कि नहीं घबराने का नाटक करते हैं, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है आप घबरा रहे हैं। और आपके जो आदमी हैं वो वहां पर जाते हैं, जनप्रतिनिधियों का, सामान्य सांसद का घेराव कर, घर का घेराव करते हैं, जो कि असंसदीय प्रक्रिया है। आप घेराव करना है तो सबसे पहले आप नोटिस दीजिए पुलिस प्रशासन को। अगर फोन लगाया जाता है तो पुलिस प्रशासन फोन नहीं उठाती है, ये शासन और प्रशासन की आज की स्थिति है और ये द्वेषपूर्ण स्थिति है और बौखलाहट की स्थिति है, झल्लाहट की स्थिति है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं।